अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबका अपना भाई ताहिर शब्बीर। कराची की फर्स्ट मॉर्निंग है और अभी हम उठे हैं, फ्रेश वगैरह हो गया, नाश्ता वगैरह भी कर लिया है और अब हम जा रहे हैं जी यहाँ पे कराची समंदर पे। तो आपको मैं साथ रखूँगा, असद भाई के साथ हम जा रहे हैं, हामिद भाई जो हैं वो फ्रेश हो रहे हैं जी। तो अब हम खाने लगे हैं खाना, क्योंकि दोपहर के डेढ़ तकरीबन बज चुके हैं, खाना तैयार है। खाना खाने के बाद हम समंदर पे जाएंगे और इंशाल्लाह आपको साथ रखूँगा। ये देखिए खाना जो है आ गया तैयार होके, तो हम इसको तनावल फरमाते हैं जी। तो खाना वगैरह हमने खा लिया था, अब हम समंदर के लिए जा रहे हैं, हम जो है निकलने लगे। अब हम डलवा रहे हैं पेट्रोल, हमारे सर भाई डलवा रहे हैं, फिर हम समंदर की तरफ निकलेंगे। ये देख सकते हैं आप पेट्रोल ला रहे हैं ये भाई, अपने यहाँ पर खाना चले। जी तो गाइज़ ये है चुमी पॉइंट जो कि मैं जिक्र कर रहा हूं, अभी आगे वीडियो में भी बताऊंगा आपको। जी तो समुंदर जो है ना जी, हम पहुंच चुके हैं और यहां पे हम देखने के लिए आए थे कि पानी आगे है कि नहीं है। तो असद भाई जो हमने वहां देखा है आगे है पानी, तो पानी के पास चलते हैं जी। तो गाइज़ अब हम समंदर पर पहुँच चुके हैं, ये थोड़ा सा दूर होता है, तो यहाँ पर ये जो है सामने इधर ये पार्किंग एरिया, ये सब पार्क करना होता है। उसके बाद जो है आप अपनी गाड़ी पार्क करें, पार्क करने के बाद यहाँ से अंदर एंटर हो जाते हैं। यार बड़ा अच्छा खूबसूरत ये जो है मंजर है देखने का, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। अभी तो यहाँ से मज़ा आ रहा है और अंदर जाके और ज़्यादा आएगा। आई आई ये जी ये देखें, ये जब ये सुनने में आया कि जब भरा हुआ होता है तो यहाँ तक पानी होता है। अभी सर्दियों की सर्दियाँ हैं तो इसी वजह से ये पिंक चला गया। सर्दियों में जो है जी यहाँ से पानी पीछे हो जाता है। यहाँ पे तो कोई सर्दी नहीं है, बिल्कुल गर्मी है। यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा कि सर्दी का नामो निशान ही नहीं है। यहाँ पे तो पंजाब में तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, और यहाँ पे तो नामो निशान ही नहीं है सर्दी का। बिल्कुल ऐसी है जैसे गर्मियाँ जून जुलाई का महीना चल रहा है यार, बहुत गर्मी है यहाँ पे। यार मैं आपको एक बात नहीं भूल गया, यहाँ पे जो है ना जी समंदर में चुमी पॉइंट भी है, और हमने वो देखा और मैंने वो वीडियो बनाई है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो उसका शॉट में डाल दूंगा। और जब हमें पता चला सुन के बहुत ज़्यादा, हमें तो बहुत ज़्यादा हंसी आई। चुमी पॉइंट वो बता रहे थे ऐसे भाई कि यहाँ पे सुबह सुबह जो है ना जी कॉलेजेस और स्कूल के लड़कियाँ लड़कियाँ यहाँ आते हैं और यहाँ पर चुमी पॉइंट चुमियाँ होती हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर अक्सर वहाँ पर खड़े भी होते थे ना, तो इसी वजह से किसने वहाँ का नाम रख दिया चुमी पॉइंट, तो वो जो है ना जी चुमी पॉइंट बन गया। तो वहाँ पे सुबह सुबह लड़कियाँ और लड़के चुमियाँ कर रहे होते हैं, और जब पुलिस वाले आते तो सब भाग जाते हैं। तो वो कह रहे थे किसी का मोबाइल कहीं पड़ा होता, किसी का वैलेट कहीं पड़ा होता है, सब भाग जाते हैं। तो वेरी फनी यार, वेरी फनी। ये हम तकरीबन काफ़ी करीब पहुँच गए हैं इसके, यहाँ पर जो है ना जी ऊँट है, घोड़े हैं, और ये गाड़ियाँ भी हैं जिस पर आप बैठ कर इंजॉय कर सकते हैं, इनको चला सकते हैं। समंदर के काफ़ी करीब हम आ गए हैं, ये जी आप देख रहे हैं हम बिल्कुल करीब आ गए हैं इसके समंदर के। और ये देखिए घोड़े वगैरह और ऊँट वगैरह, और ये काफ़ी सारी यहाँ पे खाने पीने वाली चीज़ें भी मौजूद हैं। और आप ये देख रहे हैं, ये देखें जी पानी जो है यहाँ तक, फिलहाल यहाँ तक तो आया हुआ है। ये यहाँ पे तो व्यू चेक करें आप, यहाँ पे थोड़ी सी स्मेल भी है, तो यहाँ पे ज़ाहिर बात है पानी खारा होता है, और लोग जो है जी देखिए कैसे अंदर तक गए हुए और इंजॉय वगैरह कर रहे हैं। ये बड़ा प्यारा यहाँ पर सूरज की जो है रोशनी छुआएँ पड़ रही है, काफ़ी हसीन मंजर है माशाल्लाह। देखिए काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, बाकी वो बता रहे थे असद भाई कि यहाँ पे जुम्मा कह रहा हूँ सॉरी, इतवार वाले दिन जो है जी काफ़ी रश होता है, वीकेंड होता है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जो है आते हैं इंजॉय करने के लिए। कैसा लगा समंदर का सफर? समंदर का सफर बहुत ठंडा पानी है, बहुत ठंडा पानी होती है, इसके अंदर से सुना है जी
काफ़ी स्पीड से लहरें आ रही हैं, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी स्पीड से लहरें आ रही हैं और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। बहुत मज़ा आ रहा है यार, ठंडा ठंडा यख पानी, और ये खारा भी होता है, बहुत नमकीन होता है। लोग देखें कितना अंदर गए हैं एंजॉय करने के लिए, और काफ़ी यहाँ पर रश भी है, ये देख रहे हैं आप कितना रश लगा हुआ है यहाँ पर, और वो आगे तो बहुत ज़्यादा ही रश है। और बड़ी प्यारी प्यारी यहाँ पर जो है ऑडियंस है जो आई हुई है घूमने के लिए। मैं अभी गिरने लगा था, पाँव स्लिप हो रहा था यार। ये बड़ी प्यारी प्यारी लहरें जो है ना जी नज़र आ रही हैं, ये देखें सनलाइट कितनी प्यारी जो है पड़ रही है पानी के ऊपर। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि बनाऊं ये, काफ़ी देर से ये जो है सामने लोग खड़े हैं हट ही नहीं रहे हैं, अगर ये हटेंगे तो मैं जो है ना जी ये शॉट लूँगा, बट बड़ा प्यारा बनेगा ये ना, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वो खड़े एग्जैक्ट उसी जगह पर हट ही नहीं रहे जी। तो असद भाई हमारे आ गए हैं और हामिद भाई भी जो हैं अब पानी में आ रहे हैं, मैंने उन्हें बताया बहुत मज़ा आ रहा है, जल्दी से आ जाएं आप भी। ये देख रहे हैं आप कितनी स्पीड से, बड़ी स्पीड से पानी आता है, और जब ये लगता है ना टांगों पे ठंडा ठंडा, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको देखने में। और वो देखें बाइक्स वगैरह वो कहते चला रहे हैं, और ठंडा ठंडा पानी का मज़ा, और ऊपर से ये मंज़र बहुत अच्छा मंज़र है। तो सामने देखें बिल्डिंग्स भी बनी हुई है, फ्लैट है सामने। सर भाई अभी बता रहे थे कि ये न्यू प्रोजेक्ट बने हैं इनके, और एक जो है जी फ्लैट 25 करोड़ रुपये का ये जो है बिक रहा है। हामिद भाई कैसा लग रहा है? ठंडा ठंडा पानी, और हामिद भाई शूज़ के साथ ही अंदर आ गए हैं। और इनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हुई है, दवाई वगैरह हमने ली है। ये देख रहे हैं जी आप, वो थोड़े से साइड पे हो तो गए हैं, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, सनलाइट पड़ रही है पानी के ऊपर, बड़ा प्यारा ये मंज़र है। और तकरीबन मैं इसके करीब आ ही जाऊँ, पानी का शोर देख रहे हैं आप, बड़ा ज़बरदस्त है जी माहौल देखने के लिए। करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी, करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी, करता है सना तेरी बरसता हुआ पानी, दरिया भी है मसरों पे सना अल्लाह अल्लाह। जी तो सूरज भी जो है जा चुका है, देख रहे हैं आप इसी जगह पे था, ये जो है मेरी लाइफ का फर्स्ट जो है मेरी लाइफ में ये जो मंजर मैंने देखा है, ये मैंने फर्स्ट दफा देखा है अपनी लाइफ में जो है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और खूबसूरत मंजर है ये, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर आके कराची में। कराची है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसको घूमने में काफ़ी दिन लग जाते होते हैं। आप लोग जब भी कराची आइएगा यहाँ पर ज़रूर आइएगा और इन्जॉय कीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और ताहिर भाई को अपने भाई को अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अस्सलामुअलैकुम।